प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षक दर दर ठोकर खा रही है। वजह है कि नियुक्ति की योग्यता में किया गया बदलाव। इतना ही नहीं, जुलाई में टेंडर प्रक्रिया समाप्त होने के बाद टेंडर को रिन्यू नहीं किया गया, जिसके चलते प्रदेश के हजारों प्रशिक्षक बेरोजगार हो गए हैं और उन्हें पिछले कई माह के वेतन का भुगतान भी नहीं हो सका। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के तकरीबन 1100 सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देने के लिए सरकार से एजेंसियों के माध्यम से 2014-15 में 2500 व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। ये प्रशिक्षक स्टूडेंट्स को विभिन्न एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, आईटी, ब्यूटी, वेलनेस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे थे। केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत कार्यरत इन प्रशिक्षकों के समक्ष अब रोजगार को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला ने बताया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षक मिलने आए थे और अपनी समस्या बताई। हमारी सहानुभूति उनके साथ है। केंद्र योजना में ही वह काम कर रहे थे, राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। शिक्षा नीति में मुख्य रूप से उन्होंने 10-2 प्रणाली को बदल कर एक तो मतलब पहले 5-3-3 और 4 ये सिस्टम रखा है, इसके ऊपर मुख्य रूप से विचार करना है। इसके अलावा वो प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो उसके ऊपर, तथा खासतौर से एजुकेशन में गुणात्मक सुधार जो है उसके लिए बातचीत करनी है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें विषय विशेषज्ञों के विचार आएंगे, उससे काफ़ी लाभ मिलेगा और शिक्षा नीति को लागू करने में सहूलियत हो। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से जो सुझाव दिए थे वो सुझाव आज भी उनके सामने हैं। और आप जानते हैं कि नीति जब एक बार ड्राफ्ट आ जाता है तो वक्तन वक्तन समय काल और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो हमारे सुझाव हमने जो दिए उस पर उनको विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से व्यावसायिक शिक्षा का समावेश राजीव गांधी जी के वक्त में किया गया था, उसको इसमें जोड़ा गया है और कुल मिलाकर के काफ़ी बिंदु ऐसे हैं जो उस समय के हैं। शिक्षा नीति में जो भी नया परिवर्तन हुआ है उसके बारे में इनको भारत सरकार को रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमारी उनके साथ सहानुभूति है।